Today I'm going to talk about the queries discussed by students during the communicative English session. तो इसमें सबसे पहली समस्या students ये share करते हैं कि हमें English समझ में तो आती है लेकिन हम बोल नहीं पाते. तो अब इसका solution क्या है? Let's discuss. जब हमें एक language समझ में आ रही है लेकिन हम उसे बोल नहीं पा रहे तो उसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं. हम grammar को एक side पे रखते हैं तो सबसे पहली जो हमारी anxiety रहती है वो रहती है public opinion. कि अगर मैं बोलूँगा या मैं बोलूँगी तो मैं गलत बोल दूँगी और लोग मुझ पर हंसेंगे. ये सबसे बड़ी समस्या है जब हम ओपिनियन को लेकर वरिड हो जाते हैं कि मेरा मजाक उड़ाएंगे लोग जो मेरे आसपास बैठे हैं. तो सबसे पहले तो हमें इस जो सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालना है. सी, जब एक लैंग्वेज हमारी मदर टंग नहीं है और हम इसे सीख रहे हैं, अपने स्कूल में सीखा है या हमने कोई कोर्स ज्वाइन करके सीखा है, तो ऑब्वियसली कुछ बिगिनिंग में हमें इश्यूज आएंगे. हमें उसे बोलते वक्त ये लगेगा कि हम गलत बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंटली गलत बोल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बोलना छोड़ देंगे. अगर उस लैंग्वेज को हम यूज़ ही नहीं कर रहे, हमारी टंग हैबिचुअल ही नहीं हो रही उसे बोलने की, तो फिर हम उसे बोल भी कैसे पाएंगे. जब इंग्लिश हमारी सेकेंड लैंग्वेज है तो इसको सीखने के लिए फिर हमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ेगा आगे. सो द फर्स्ट स्टेप इज़ टू लिसन टू दैट लैंग्वेज. हमें उसे सुनना पड़ेगा, हमें नेटिव स्पीकर्स को सुनना पड़ेगा एंड इवन नॉन नेटिव स्पीकर्स को सुनना पड़ेगा जिनका एक्सेंट फाइन है और ग्रामेटिकली हमें लगता है कि करेक्ट इंग्लिश बोल रहे हैं. माई सजेशन हेयर इज टू वॉच द वीडियोज एंड लिसन टू द ऑडियो एट BBC लर्न इंग्लिश. देयर लाइक यू कैन वॉच videos related to different topics, science, literature, language learning and social sciences. So उन्हें सुनिए, अपना interest उसमें बढ़ाइए ताकि एक hobby की तरह आप English को learn कर सकें. The next big step is to then start to write. आप सुनने लग गए हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, then you must start to write it. Write with the basic things, like छोटे छोटे topics लिखिए अपनी hobbies से related, आपको क्या अच्छा लगता है, traveling से related, daily routines को लिखिए, अपने anecdotes बनाइए, like daily journal writing can help, कि जो भी पूरे दिन में आपके साथ हुआ उस बारे में लिखिए, या फिर किसी कुछ important हुआ पूरे दिन में उसको interesting way में अपनी feelings को पूरी तरह से सामने रखते हुए लिखिए. इसमें इनिशियल स्टेज पर मिस्टेक्स होंगी, आपको कुछ चीज़ें पता नहीं लगेंगी, लेकिन जब हम सर्च आउट करेंगे गूगल के ऊपर जाकर कि ये बात मैं कैसे कह सकती हूँ, देन वही तो लर्निंग की प्रोसेस है. सो द कंक्लूजन इज कि पब्लिक ओपिनियन को एक साइड पर रखिए और लैंग्वेज को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए. सुनिए उस लैंग्वेज को एंड देन लिखना शुरू कीजिए छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ एंड देन स्टार्ट टू स्पीक देम, स्टार्ट टू एक्सप्रेस देम इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली और फ्रेंड्स. और लाइक अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर यूज़ कर सकते हैं, अपने कोलीग्स के साथ यूज़ कीजिए, किसी ना किसी पर्सन के साथ यूज़ कीजिए, या फिर अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग्स कीजिए और अपनी मिस्टेक्स खुद देखिए कि मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ. जब तक हम लैंग्वेज को यूज़ करना शुरू नहीं करेंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप पर पहुँच ही नहीं सकते.